वेलकम टू चूलू आसमान, हमारा सेगमेंट है ख्याल रखना। जी, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। कैसी हैं नाजिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा वीकेंड आपका नाजिया? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। आप बताएं, आपका कैसा रहा? बड़े ब्राइट कलर में आज आप आज हाँ पता नहीं, आज रेड मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा हुआ आपने पूछ भी लिया। कल भी मुझसे किसी ने दोबारा रात को फेसबुक पे पूछा, जो कल मैंने ड्रेस पहना हुआ था, तो कल मैंने गलती से बोल दिया था कि वो सोफिया नवीद का था, लेकिन वो एलिमेंट पे ही स्टॉक करती है। राबेल उनका ड्रेस था जो कल मैंने पहना था, और आज मैंने सोफिया का पहना हुआ है, सोफिया नवीद लारी का, उनका आज ये ड्रेस है। जो नाजिया आपने देखा होगा, एलिमेंट प्रेस स्टोर है खड्डा मार्केट में, उधर ये जो है स्टॉक करती है सारी। अच्छा, और बहुत जबरदस्त नाजिया, और वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल शर्ट्स, इतनी रीजनेबल है। क्योंकि नाजिया अगर हम देखें, अब हम खुद जाते हैं टेलर्स पे और पता चल जाता है, आप तो खैर बहुत क्रिएटिव हैं माशाल्लाह से, इतनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, पता नहीं किन किन टोटों को मिला के और पेवन लगा लगा के कपड़े को निकाल लेती है। तो इतना जबरदस्त जो है इन्होंने वहाँ पे शर्ट्स बनाई है। तो मैं कल भी मैंने गलती से, मुझे पता ही नहीं था, मैंने बोल दिया सोफिया नवीद लारी का, वो था राबेल का। अच्छा, तो वो खैर वो बहुत सबको पसंद आया जो कल मैंने ड्रेस पहना था। अच्छा, तो सबने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि आपने जिसकी शर्ट पहनी थी प्लीज। सही बात है, देखे ना, इस तरह से उनकी भी उनका भी। और मैं बताऊँ नाजिया, क्यों ज्यादा लोग ऐसी शर्ट्स में इंटरेस्टेड थे आज से? आई थिंक आज नाजिया से सिर्फ कपड़ों पर ही बात करते थे। यूनिक है, यूनिक होते हैं। और नाजिया लोग अब कोशिश करते हैं कि जरा सिंपल हो लेकिन एलिगेंट हो। ये नहीं कि आप इतने काम पहन के सुबह सुबह बैठ तो नहीं सकते आप यार, आप टीवी शो पे कितना काम वाले कपड़े पहनते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता, दैट्स नॉट रियल। अच्छा राजा, आज जो हमारा सेगमेंट है वो है रिंग वर्म पे, हम बात करने वाले फंगस क्या होता है पहले ही मुझे बताइए। देखिए, फंगस है कि जो आम इस्तलाह है जो लोगों के लिए यूज होती है वो रिंग वर्म है जी। गोल गोल कोई भी चीज दिखी और उसको हमने रिंग वर्म कह दिया, लेकिन बात सारी ये है कि रिंग वर्म हर गोल चीज जो स्किन पे नजर आए वो रिंग वर्म नहीं होती। हमारे यहाँ ये होता है कि जी हर रैश को जी ये रिंग वर्म है, लोगों ने अपनी जो पर्टिकुलर ट्यूब्स हैं वो लगानी शुरू कर दी और वो समझते हैं कि स्किन सिर्फ ऑइंटमेंट और क्रीम्स लगाने की ही बात है, लगाया खत्म हो गया। एक चीज मुझे बताएं कि रिंग वर्म में जो छोटे 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 दाने होते हैं, एक तरह से उसको धधरी धधरी इसको नहीं, एक्चुअली इसको उर्दू में तो खैर कुछ और ही कहा जाता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में जब हम बात करते हैं रिंग वर्म, और हमारे लिए वो टीनिया होता है। एनी राउंड थिंग जो आ रही होती, चाहे वो फेस पे है तो टीनिया फेशियलिस है, अगर वो हाथ पे है तो फिर वो टीनिया कॉर्पोरिस है बॉडी के ऊपर, अगर वो जेनिटल एरिया में है तो टीनिया हम लोग को पढ़ाया जाता है, ये हमारी तालीम का हिस्सा होता है जब पढ़ाते। अच्छा, फिर होता है टीनिया उंगलियों के बीच में, जहाँ पे ये पैरों में खसूसी तौर पर एथलीट फुट के नाम से होता है, जो लोग ज्यादातर बंद बंद जूतों में जब आपके उंगलियों के बीच में मॉइस्चर रहेगा, जो जो लोग ज्यादातर मर्द हजरात और वो लोग जिनका ताल्लुक हमारी सर्विसेज से है, जो लोग बंद जूते हर वक्त पहने रखते हैं, या फैक्ट्री के वो लोग जो प्रोटेक्टिव वेयर की वजह से वो बंद जूते हर वक्त पहने रखते हैं, स्वेटिंग होती है उसकी वजह से। एग्जैक्टली, तो इसलिए एथलीट फुट कहा जाता है कि एथलीट सारा दिन पैर बंद रखता है, उसको पसीना आता है, उंगलियों के बीच की स्किन मुतासर होती है, वहां से वो निकलने लगती है, आपको खारिश होती है और आपको ख्याल करना पड़ता है। फिर एक किस्म का टीनिया वो है जो नेल्स को मुतासर करता है, चाहे वो हाथ के नेल्स है चाहे वो पैर के नेल्स है। अगर नेल ब्रेक हो जाए, पेडिक्योर मैनिक्योर में टूट जाए, जो लोग ज्यादातर पानी में अपना हाथ रखते हैं और वहां पे वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से टीनिया हो जाए। जब नाखून में हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, हाथ में हो जाए तो फिर भी आप 2-3 से 6 महीने में उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर पैर के नाखून में हो जाए खुसूसन बिग टो, तो आपको 9 महीने से 1 साल तक उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, और देखने में ये ऐसा ही होता है छोटे छोटे दानों में? नहीं, लेकिन नेल के अंदर जब होता है तो दिस ऑल टुगेदर डिफरेंट, उसके अंदर ब्लैक और ग्रीनिश अपेयरेंस काफी आ रही होती है और वो टूट रहा होता है, तो उसकी वजह से वो लगता है, लेकिन ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट है वही इसको पहचान। अच्छा, एक हमारे साथ पहली कॉल है, मिसेस शाहिद बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल से, उन्होंने रखने का फैसला कर दिया। ठीक है ना, तो ये एक चीज आती है। अच्छा, फिर एक टीनिया होता है जो फेस पर आता है, कि अगर आप देखें सर के ऊपर से लेकर यहाँ फेस के ऊपर, इसको टीनिया फेशियलिस कहते हैं, राउंड कलर का रेड कलर का व्हील होता है और वो हमेशा एक से दूसरे को कॉन्टेक्ट से लगता है। टीनिया की सबसे बड़ी बात, फंगस की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको जो है वो एक से दूसरे को लगता है, और जब ये सर पे हो जाए तो उसे टीनिया कैपिटस कहा जाता है। हाँ, ये बच्चों के सर पे काफी ज्यादा होता है और ये ज्यादातर लोगों को कैसे लगता है, बहुत तेजी से कंटेजियस होता है, यानी एक से दूसरे को लगने वाली टेंडेंसीज में कहीं ज्यादा है। शायद वापस आ गए। हाँ जी, आ गए। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे अब डॉक्टर नाजिया से बात करनी थी। हाँ जी, कीजिए। मेरे स्किन ऑयली है जी, तो मैं जब कोई भी क्लींजिंग लोशन इस्तेमाल करती हूँ ना जी, तो उससे मेरे एक्ने निकल आती है, रेड रेड छोटे छोटे दाने। आपका क्लींजिंग लोशन किस तरह का है मिस्टर शाहिद? मेरा क्लींजिंग लोशन बहुत अच्छी कंपनी का, अगर मैं आप कहें तो मैं नाम बोल दूँ। नहीं, वो चिकना है या पानी वाला है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं। थोड़ा सा पानी वाला लोशन है। थोड़ा सा पानी वाला, लेकिन ज्यादातर इसमें चिकनाहट है। अच्छा, इसके अलावा क्या? अच्छा, हाँ नहीं तो अगर इसके अलावा क्या आप जब क्लेंजिंग लोशन इस्तेमाल नहीं कर रही तो क्या एक्ने नहीं होती बिल्कुल भी? नहीं, एक्ने फिर मुझे इतनी फील नहीं होती। मैं एक दफा यूज कर लूँ, अगले दिन मेरे वो छोटे 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 दाने निकलना शुरू हो जाते जी। तो फिर हाँ जी, ठीक है, बताएं कि मैं कौन सा क्लेंजिंग मिल्क इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल ठीक है। आपकी वैसे अदरवाइज स्किन कैसी रहती है? ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है? ऑयली है। ठीक है, अगर आपने आगा साहब के सामने कह दिया ना ऑयली स्किन जी, तो बस फिर आपकी खैर नहीं होगी। क्यों, ऑयली स्किन होती है? नहीं, वो कहते हैं कोई ऑयली स्किन नहीं होती है। नहीं, वो ऑयली बहुत स्किन है मेरी तो। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सही बात। चलें ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ऑयली स्किन से मुराद ये है कि जो स्किन से ज्यादा ऑयल निकल रहा है, जो ज्यादातर चिकनी रहती है, हम उसको ऑयली स्किन की उसमें सलाह में डिफाइन करते हैं। इनके लिए जरूरी है और साफ जाहिर है कि इनको इस प्रोडक्ट से एलर्जी हो रही है। पहली बात तो छोटे छोटे दानों का निकलना, और ऐसे लोग अगर क्लेंजिंग मिल्क के अंदर क्लेंजिंग मिल्क प्रॉपर यूज कर रहे हैं चिकना वाला, और अगर वो वाटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो क्लेंजिंग वाटर्स आते हैं जैसे क्लेंजिंग टोनर है, एस्ट्रिंजेंट्स हैं और इस तरह के सैलिसिलिक बेस आते हैं, उसकी वजह से ये होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि फंगस ये जो है रिंग वर्म, ये नेल्स में डिफरेंट होता है। बिल्कुल, किस किस्म का होता है? देखिए, इसके अंदर ये है कि जब आपको नेल के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन आती है तो नेल साइड में से या ऊपर से ग्रीनिश ब्लैक हो रहा होता है, साइड में से वो ब्रेक हो रहा होता है। और ये बड़ी कॉमन इस्तलाह है कि हर चीज जो नेल पे नजर आती है उसको बाय डिफॉल्ट डॉक्टर और घर वाले यही समझते हैं, ओ हो ये तो फंगस है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी सिस्टमिक डिजीजेज हैं जिनका रिफ्लेक्शन नेल है, जो आपको बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। तो आप करें जैसे कि मेलेनोमा, जैसे कि कैंसर है नेल का, अक्सर लोग उसको फंगस समझ के हटा देते हैं और पता ये चलता है कि वही नेल के मेलेनोमा से, क्योंकि मेलेनोमा इज द फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कैंसर। एक दफा ये हो जाए और अगर आपने उसको डायग्नोज नहीं किया तो देन यू आर इन बिग ट्रबल, उसमें भी नेल ब्लैक हो रहा होता है। तो लिहाजा सबसे आसान तरीका क्या है किसी भी डॉक्टर के लिए, वो अगर उसको कंफ्यूजन है, क्योंकि इसकी दवाइयां इसकी दो वजहों से कि इसको इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसकी मेडिकेशन बहुत ज्यादा देर तक खानी पड़ती होती है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आपने इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराना होता है नेल क्लिपिंग काट के, और जब उसकी रिजल्ट आ जाए देन उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अच्छा नाजिया, एक और चीज आपने कहा सर पे होता है बच्चों को, किस वजह से होता है? यहाँ तो स्कूल में बच्चे साथ साथ बैठ रहे हैं, जैसे जुएं आपको एक दूसरे के सर पे जा रही होती है। इसकी वजह यह है कि कॉन्टैक्ट का होना, एक ही टॉवल का यूज करना घर के अंदर, और एक ही टॉवल और एक ही कंघी लाइन से अगर आप बच्चों को नहला रहे हैं जहाँ पे, तो उधर इस तरह से ये चीज आती है। देखिए, अब ये कितनी माइनर सी चीजें हैं, लेकिन ये लोगों को पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मैं खुद इस तरह की हूँ कि एक बच्चे को पहले तैयार किया, उसको ब्रश किया या कंघी की, दूसरे को भी उसी से तैयार किया। अब हम लोग इन चीजों में खुद कटाइयां करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग खुद पछताते हैं कि क्यों कि देखें। बिल्कुल सही कह रही नाजिया, अब लोग कहेंगे क्या ये इतनी इतनी बातों को हम करें और उसको संभाल के चलें, एक ही कंघी है, फटाफट छोटे छोटे बच्चों के तो बाल होते हैं, बस फटाफट तैयार किया और कर सकते, लेकिन उसकी वजह से कितनी फंगस और ये सारी चीजें फैलती हैं। और सेकेंडली, जिनके घर में पेट्स हैं जैसे डॉग, कैट और पैरट, उनके ऊपर से अगर ये व्हील जैसे बाल गायब हो रहे हैं उससे भी आपको लगते हो। बच्चे बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, पेट्स को पता भी नहीं होता। रोड साइड इधर अगर बाहर स्ट्रे हैं तो उनका तो और ही खतरा है, घर के अंदर भी अगर वो हैं तो अगेन उसका ख्याल रखना जरूरी। तो अगर आप उनको भी इंस्पेक्ट कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर भी कोई इस तरह का टीनिया का प्रॉब्लम। क्योंकि आप सही कह रही हैं कि पेट्स से भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी होता है कि पेट आपने रखा हो तो वो बिल्ली, रशियन जो कैट्स होती है, हर तरह की कैट्स में, खासतौर पर स्ट्रे में फर बहुत ज्यादा होता है, भी होता है। अगर आपके घर में डॉग्स हैं जिनके ऊपर फर बहुत ज्यादा, फर ज्यादा है, मतलब आईब्रोज हो जाए, आपके पैरट्स के अंदर होते हैं वो जो लोग पालते हैं, किसी भी किस्म का पेट है आप उनको इंस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कई तौर की एलर्जीज उनसे होती है। अच्छा मुझे बताएं नाजिया कि इसको कितना अर्सा लगता है ठीक होने में, और क्या डिफरेंट फंगस के, ये जो फंगस तो एक है लेकिन आपने कहा ना कहीं नेल में है, कहीं सर में है, कहीं कहीं है, तो वो कितना अर्सा लगाता है कि हर जगह को इसका अंदाजा इस तरह हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल?